हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और खूब मजे में होंगे। तो गाइस, चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ गोलगप्पे। तो चलते हैं किचन में गोलगप्पे बनाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है गोलगप्पे सुनकर ही सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, और सभी को गोलगप्पे पसंद है, छोटे बड़े सभी को, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। तो इसीलिए मैं सोची चलो गोलगप्पे घर में ही बनाती हूँ आज और सबको खिलाती हूँ। तो चलते हैं किचन में गोलगप्पे बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं गोलगप्पे के लिए एक कटोरी आटा लिया है और आधा कटोरी सूजी। आटा वही है जिसका मैं रोटी बनाती हूँ, और आधा कटोरी सूजी। इस दोनों को मिला लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद इसे इसमें पानी डालकर गूंथना है। तो पानी जो है एकदम ही नॉर्मल पानी मैंने लिया है, और नॉर्मल पानी से ही गूंथना है, गर्म पानी नहीं लेना है। और आटा को जो है ना एकदम ही सॉफ्ट गूंथना है, मींस हल्का सा गीला आप कह सकते हो, वो गूंथना है, क्योंकि सूजी जो है ना पानी पिए, इसीलिए आटा को थोड़ा सा गीला गूंथना है। फिर बाद में अपने आप ही वो टाइट हो जाएगी, सूजी पानी पी लेगी, फिर अपने आप वो टाइट हो जाएगी। और इसका एक ख़ास बात है कि आटे को सूखा मीन्स हवा नहीं लगना चाहिए, सूखना यानी कि हवा एकदम ही लगने लगना चाहिए। इसके लिए मैंने गीला कपड़ा से ढक दिया था और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। फिर देखिए आटा एकदम ही टाइट हो गया था। फिर इसका मैं लोई बना रही हूँ, और आटा जो भी थोड़ा सा मैंने लिया है लोई के लिए, और जो भी आटा है उसे ढक के रख दिया है ताकि हवा नहीं लगे, हवा एकदम ही नहीं लगना चाहिए, और आटा एकदम ही सॉफ्ट होना चाहिए। और इसको मैं रोटी के जैसा बेल लूँगी। और दो तरीके से पूरी बनाते हैं गोलगप्पे के लिए। तो सबसे पहले तो है कि बड़ा जैसा बेल लिया, और एक कटोरी या ग्लास से इसे गोल शेप में कट कर लिया। इससे क्या होता है, सारे गोलगप्पे एक शेप के होते हैं, एक आकार का होता है। और ये जो पूरी मैंने बनाया इसे भी ढक देना है गीले कपड़े से, हवा नहीं लगना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जब मैं बना रही थी तो कभी कभी गलती से भूल जा रही थी ढकने के लिए, तो वो गोलगप्पे अच्छे नहीं बन रहे थे। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अनुभव से बता रही हूँ कि आप लोग जब भी बनाओ तो ढक दो ना कपड़े से, गीले कपड़े से। पूरी को भी, जो पूरी आपने बनाया है बेला है, उसे भी ढक देना है। और इसे हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम कर सकते हो, या हाई पे भी इसे तल लेना है एकदम ही ब्राउन होने तक, कुरकुरा तक। पहले हाई रखो फिर बाद में कम कर लो ना, ताकि एकदम ये ब्राउन हो सके। और दूसरा तरीका है कि छोटे छोटे लोई में बना दूंगी और इसे पूरी का शेप दूंगी बेल के, और छोटे छोटे पूरियाँ बनाऊंगी। और सब एक ही शेप का हो तो अच्छा लगेगा और अच्छा लगता है। और बना बना के ढक लेना है। और फ्रेंड्स, इसे तलते जाना है। और देखिए ये फूल भी रहे हैं, कुछ कुछ गोलगप्पे नहीं फूले थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पापड़ी के काम में यूज़ हो जाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए, मेरे सारे गोलगप्पे मैंने छान लिया है, फ्राई कर लिया है, तल लिया है। अब मैं बना रही हूँ पानी पूरी का पानी। तो ये पानी पूरी का पानी के लिए ठंडा पानी लिया है, और इसे पानी पूरी मसाला डाल दिया, और बूंदी डाल दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था मसाला तो मैंने फिर से डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिया है। और ये आलू का मसाला के लिए मैं आलू, दो बॉयल्ड आलू, बारीक कटा प्याज, मिर्च और धनिया, ये सबको मिला लूँगी अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा खटाई के लिए नींबू का रस मैं दे रही हूँ, नमक, और इसमें एक मसाला मैं दूँगी जो कि रोस्टेड मसाला है। धनिया, जीरा और लाल मिर्च को मैंने रोस्ट कर लिया है, ड्राई रोस्ट, और मिक्सी में पीस लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग भी ज़रूर बनाना और डालना इस आलू के मसाले में। और इसको अच्छे से मिला लेना है, और ये बनकर तैयार हो जाएगा आलू का मसाला। और जो पानी पूरी जो बनाई थी मैं, जो नहीं फूले थे, वो इसमें डालने पे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है आलू का, तो वो यहीं पे यूज़ हो जाएगा, तो यहीं पे मैं डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, गोलगप्पे बनाने के समय मैंने एक गलती की थी जो कि आप लोग नहीं करना। सबसे बड़ी गलती मैंने की क्या किया कि गोलगप्पे को खड़े होके मैं बेल रही थी। वो खड़े होके नहीं बेलना है, एक जगह बैठ जाइए और सारे गोलगप्पे बेल लीजिए, और कॉटन कपड़े से ढक लेना है, बेलते जाना है, ढकते जाना है, ताकि हवा नहीं लगे। और जब तलने के लिए जाओ तो फटाफट तेज़
गैस को तेज कर लो, हाई फ्लेम पे फटाफट तल लो, इसमें थकावट नहीं होती है। और मैं जो खड़े होकर बेली तो मैं उसी कारण मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो इसीलिए मैं सोची बता दूँ आप लोगों को भी। और देखिए गोलगप्पे एकदम ही करारे बने हैं, मैं गोलगप्पे सर्व कर रही हूँ। गोलगप्पे को तोड़ के इसमें मैं डाल रही हूँ मसाला, फिर इसमें पानी डालूँगी। और फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ, ये गोलगप्पे बनाने में थोड़ी सी थकावट हो गई, लेकिन जब मैं खाई तो इतना अच्छा लगा, जैसे लग रहा था कि हम लोग मार्केट में खाते हैं, लेकिन घर का एक अलग ही टेस्ट आ रहा था, और लग रहा था कि हम लोग कुछ हेल्दी खा रहे हैं और ये नुकसान नहीं करेंगे। और देखिए ये बनकर तैयार है, और आप लोग भी आइए और खाइए गोलगप्पे या पानी पूरी। गाइस गोलगप्पे बनकर तैयार है, आप लोग भी आइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी बना है। अभी मैं टेस्ट करके बता रही हूँ आपको कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग भी बनाकर देखिएगा। कुछ कुछ गोलगप्पे नहीं फूले, लेकिन वो पापड़ी का काम में आ जाएगा। और मैं सीख गई है कैसे बनाना है, और आप लोगों को भी मैंने बता दिया कि कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।